हेलो एवरीवन, मेरे किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं व्रत के लिए आलू की बहुत ही टेस्टी रेसिपी शेयर करूंगी, जिसको हम झटपट बना सकते हैं और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। तो इसके लिए मैंने 1 किलो आलू लिए हैं। इनको मैंने अच्छे से धो लिया है और धोकर मैंने कुकर में डाल दिया है और मैंने इसमें 1 गिलास पानी डाला है और कुकर का ढक्कन लगा दिया और इसको मैंने गैस पर रख दिया है। कुकर में हम 2 सीटी आने देंगे। जैसे ही कुकर में 2 सीटी आ जाती है, मैं गैस का फ्लेम बंद कर देती हूँ। 2 सीटी आ गई हैं और अब मैंने कुकर का प्रेशर भी निकाल दिया है और अब मैं इन आलू को एक ट्रे में निकाल लेती हूँ ठंडा होने के लिए। जैसे ये ठंडे हो जाएंगे, मैं इनको छील लेती हूँ। ये मैंने आलू को भी छील लिया है और मैंने 4 हरी मिर्च ली है और आलू के मैं छोटे छोटे पीस बना लेती हूँ। फ्रेंड्स, ये आलू की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। एक बार आप व्रत में इसको ज़रूर बना कर देखें। तो मैंने आलू को काट लिया है और हरी मिर्च को भी मैंने बारीक काट लिया है। ये मैंने गैस पर कढ़ाई रख दी है और कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच देसी घी डाल दिया है। आप इसमें कोई भी कुकिंग ऑयल डाल सकते हो जो आप व्रत में खाते हो। तो घी गर्म हो रहा है और घी को गर्म होते ही मैंने इसमें 1 चम्मच जीरा डाल दिया है। जीरा को हम अच्छे से चटकने देंगे। जैसे ही हमारा जीरा चटक गया है, मैं इसमें ये आलू उबले हुए और इसमें जो ये हरी मिर्च काटी थी मैंने, ये सब इसमें डाल रही हूँ। और इस जीरे में इन आलू को मैं अच्छे से मिला लेती हूँ। तो इस तरीके से हमें जीरे में अच्छे से आलू को मिला लेना है। और अब मैं इसमें सेंधा नमक डालूंगी। व्रत का जो नमक होता है, ये मैंने सेंधा नमक लिया है। ये मैंने इसमें नमक डाल दिया। इसमें मैंने 1.5 चम्मच नमक डाला है और नमक को अच्छे से हम आलू में मिला देते हैं। आलू को हमें मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट तक भून लेना है। इनको हमें चलाते हुए इस तरीके से भूनना है, नहीं तो ये हमारे आलू नीचे तले में लग जाएंगे। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है, आलू को हमें मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए भूनना है। ये मैंने आलू को 5 मिनट हो गए हैं भूनते हुए। अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। ये मैंने आलू को एक प्लेट में निकाल लिया है और अब मैं इस पर ये मूंगफली की गिरी है जो मैंने पहले ही फ्राई कर ली थी, इनको डाल रही हूँ। और आलू के जो लच्छे होते हैं, ये मैं इसमें डाल दिए। देखो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी नमकीन बन के तैयार हो गई है। आप इसको दही या चाय के साथ ले सकते हो, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अब मिलती हूँ अगली।